सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्यों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा में कंपनी के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अजमेर में रहता था। उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। ये छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थी। इन छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिक थे। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शहरों और छावनियों में साधु और फकीरों के वेश में क्रांति के प्रचारक आए। उन्होंने सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रोह की भावना जताई। चर्बी वाले कारतूसों की बात सैनिकों में बिजली की तरह फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने झटपट देसी सिपाहियों से कारतूस वापस ले लिए। सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया। तभी एक और अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इन बातों को लेकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। वो आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे। नसीराबाद में मेरठ की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अफसरों ने छावनियों के चारों ओर गोले भरवाकर तोपें रखवा दी। अब तो भारतीय सिपाही और भी परेशान हो गए। कई जगह सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते व्यवहार का कारण पूछा। साहब, कई सब तैयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही है। वो, तुम लोग अच्छा आदमी है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। ये बात सच है। आखिर 28 मई 1857 को दोपहर 3 बजे 15वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए। तोपों पर तैनात भारतीय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की। उन्होंने छावनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मुंह मोड़ दिए। क्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने कब्जे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना। जोधपुर और जयपुर में उनका रास्ता रोकने वाले अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उधर नीमच के क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। निम्बाहेड़ा की जनता ने उन्हें भोजन रसद आदि दी। उधर एरनपुरा की सैनिक टुकड़ी जब मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भी उनके साथ हुए। उन्होंने बिथोरा नामक स्थान में कर्नल हीथ को हराया। 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस के साथ आउवा में एक बार फिर टक्कर। जॉर्ज लॉरेंस हार गए और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए। उधर भरतपुर में महाराजा ने विद्रोही सेना का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मॉरिसन को सलाह दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए। मजबूर मॉरिसन 8 जुलाई 1857 को चला गया। 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रोह छिड़ गया। अलवर और आसपास के गांव की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई। उसने आग में घी का काम किया। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां की क्रांति योजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसी समय टोंक की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। नीमच से आए क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से धन वसूल किया और फिर दिल्ली की ओर चल पड़े। मेवाड़ के असंतुष्ट सामंत गुप्त रूप से राजस्थान की क्रांतिकारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहे। वहां विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी। क्रांतिकारी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था। क्रांति दल ने पीछे से हमला बोल दिया। अंग्रेजों को हटना पड़ा। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने महाराव से कहा कि वो जयदयाल, रतनलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले कर दें। इस बात पर भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजों में मारपीट छिड़ गई। मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटे भी मारे गए। इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा के क्रांतिकारी इतने जोश में थे
कि उन्होंने मेजर वर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। किंतु इसके बाद अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। 1857 की क्रांति की लपटें सारे देश में बराबर फैलती जा रही थी। देश का मध्य भाग भी विद्रोह की आग में जलने लगा था। ग्वालियर, ललितपुर, छतरपुर, सागर, विजयराघवगढ़, रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगढ़ आदि जगहों पर क्रांति फैल गई। जबलपुर के पास पूर्वा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी से ही क्रांति संचालन की योजना बनाई थी। 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था, किंतु किसी गद्दार ने ये बात अंग्रेजों तक पहुंचा दी। 14 सितंबर 1857 को कैप्टन क्लर्क ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। चटपट मुकदमा चला और दोनों बाप बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांध कर उड़ा दिया गया। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति घृणा फैल गई। भारतीय सिपाहियों ने उसी रात विद्रोह की घोषणा कर दी। इसी घटना से बेचैन होकर विजयराघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद ने भी विद्रोह की घोषणा कर दी। राजा सरयू प्रसाद की उम्र उस समय 17 साल की थी। उसके सिपाहियों ने अंग्रेजों के घोड़े छीन लिए। बाद में रीवा से अंग्रेज सेना आई, क्रांतिकारी सेना से युद्ध हुआ। पराजित होने के कारण राजा सरयू प्रसाद फकीर का वेश बनाकर वहां से निकल गए। परंतु अंग्रेजों ने उन्हें सन 1864 में गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में उन पर मुकदमा चला और काले पानी की सजा दी गई। किंतु राजा सरयू प्रसाद स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह एक और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। इन्हीं दिनों बघेलखंड के स्वतंत्रता वीर ठाकुर रणमत सिंह ने अजयगढ़ में अंग्रेजों का शासन खत्म किया और नौगांव छावनी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी सेना उनसे मिल गई। ठाकुर रणमत सिंह उस समय के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे और कुंवर सिंह से संपर्क बनाए हुए थे। ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। बिरसाई नामक स्थान पर उन्होंने जनरल केसरी सिंह को पराजित किया। फिर लेफ्टिनेंट ऑसबर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भिड़ंत हुई। अनेक भारतीय वीर शहीद हुए। ऑसबर्न मारा गया। विजयी ठाकुर रणमत सिंह रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगे। अंग्रेजों ने रीवा के महाराजा रघुराज सिंह पर दबाव डाला कि वो रणमत सिंह को गिरफ्तार कराने में मदद करें।